Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. मगर क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? जो भी कुछ हुआ है वो तुम भूल जाओ, मगर फौरन घर आ जाओ। कैसे आ जाओ? मेरी अभी इतनी इंतहाई अहम मीटिंग है। देखो मैं शाम में ही आऊंगा। Is that clear? मैं इस वक्त तुमसे कुछ बात नहीं करना चाहती, मगर हकीकत ये है कि अगर तुम इसी वक्त घर नहीं आए तो न जाने क्या हो जाए। Easy cool down? तुम नहीं जानते क्या हुआ है। मैंने तो सोचा था कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, मगर इस औरत को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। हेलो, प्लीज जरा मान साहब से बात करवा दें। हेलो नुमान भाई, आप ही आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो नुमान, मैंने आपको ऑफिस में कभी तंग नहीं किया और ना ही कभी आपसे वक्त मांगा, लेकिन प्लीज आज आप अभी और इसी वक्त मेरे पास आएंगे। तुम्हें ऐसी बातें करने की जरूरत क्या है? और तुम परेशान लग रही हो, आखिर बात क्या है? नुमान, मैं इस तरह से बुला रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। प्लीज आप अब इसी वक्त आइए। भाई वही तो पूछ रहा हूँ, कुछ तो बताओ। बस आप यहाँ आए, सीधा घर प्लीज। ओके डोंट वरी, आई एम कमिंग। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। आप ही जाइए, बट बी रिलैक्स। ओके तो आपका है और वो भी 1.5 साल का। क्या मतलब? आपकी बेटी की ना सिर्फ एक बीवी है बल्कि बच्चा भी है। What? जी मैं अभी आपकी बहू से मिलकर आ रही हूं। अब मुझे समझ में आया उसका खैर जज्बाती रवैया। वो मेरे साथ सिर्फ दिखावे के लिए रह रहा है। एक दफा भी उसने मुझ पे प्यार की नजर नहीं डाली। इतनी बड़ी बात और मुझे खबर भी नहीं, कहीं तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई? नहीं। आप हमारी से पूछ लें, वो मेरे साथ ही था, अपने कमरे में गया है।
सब ने मना किया कि आपको दूसरी शादी की इजाजत ना दूं, मगर फिर भी मैंने दी। ये लोग उस वक्त भी मुझसे लड़े कि ये चुपचाप आपसे शादी ना करूं, कि एक बंदा जो रिश्ता लाने पर अपनी माँ को कन्विंस नहीं कर सकता, वो शादी के बाद क्या बताएगा अपनी माँ को। मगर फिर भी मैंने आपसे शादी की। डेढ़ साल आपकी चॉइस बीवी होने के बावजूद कभी ससुराल जाने की जिद नहीं की। इन लोगों के बार बार कहने पे भी कि आप अपनी माँ को बताएं, मैंने कभी आपसे कोई बात नहीं की, कभी कोई डिमांड नहीं की। आज इन सब बातों को दोहराने की कोई खास वजह? मैंने दिल पर पत्थर रखकर सौदन को भी बर्दाश्त करने का फैसला कर लिया था, मगर नुमान जिस औरत से आपने शादी की है मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या वो यहाँ आई थी? हाँ, कमल की जगह शायद कोई और औरत होती तो मैं बर्दाश्त भी कर लेती, मगर नुमान कमल को मैं आपकी जिंदगी में एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कमल के साथ आपको शेयर नहीं कर सकती नुमान। Take it easy, relax. कभी नहीं, मैंने फैसला कर लिया, अब फैसला आपके हाथ में। आपको हम दोनों में से किसी एक को मुंतखब करना होगा, और अगर आप कमल को मुंतखब करते हैं तो मुझे तलाक दे दो। हेलो मैम, मैं बात कर रही हूँ जोरा। हाँ जोरा बोलो। मैम अभी सबा का फोन आया था और सर फोन रिसीव करते ही बाहर निकल गए। उनकी तो 10 मिनट बाद एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। वो तो ठीक कह रहे थे, लेकिन उन्होंने मीटिंग भी कैंसिल करवा दी। ओके, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। अब इस घर में भी वही इशू होगा, यहाँ तो मामा के सामने भी जवाबदेही करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी बात कमल उससे नहीं छुपाएगी। नमान कहाँ चले गए थे? मैं इतनी देर से तुम्हें फोन कर रही हूँ। मामा दरअसल मैं हूँ। ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ बताओ क्या सबा वही लड़की है जिसके घर तुम मुझे रिश्ते के लिए लेकर गए? आइए। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए ना बहन। बस यही है हमारा छोटा सा गरीब खाना, वो तो मैं देख रही हूँ, कहने की क्या जरूरत। जी फरमाइए। ये जिद कर रहा था तो हम आ गए, आप इजाजत दीजिए। थोड़ी देर तो बैठे बात करके चलते हैं। कम ऑन बेटा, आई हैव टू गो। मामा मेरी तो फिर क्या सोचा मामा आपने? इट वॉज डिस्गस्टिंग। मोहल्ला देखा था तुमने, वो गंदी गली जहां से मैं चलकर आई थी, और वो घर किस कदर गंदा था।
आपके रिमार्क सुनने के बाद तो मुझे लग रहा है कि आपसे मजीद बात करने का कोई फायदा नहीं। ऑफ कोर्स नॉट। तुमने सोचा ही कैसे कि मैं उस जैसे घर की लड़की को अपनी बहू बनाऊं? तो मामा प्लीज एक बार आप सभा को देख तो लें प्लीज, ताकि उसके बाद सोसाइटी में किसी से नजर मिलाने के काबिल ना रहूं। मामा प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो। एना ऐसी जरूरत कैसे हुई? मामा वो मेरी मोहब्बत थी और है, लेकिन रहेगी नहीं। तुम्हें सबा को तलाक देनी होगी। मैं तुम्हें तलाक तलाक क्या नहीं दे सकता। हाँ नहीं। क्या हो गया तुम्हें? क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई है? ऐसे ही है, मैं तो कह के देख रहा था, दिल चाहता है कि मैं भी किसी को तलाक मर्द हूँ ना। अरे सठिया गए हो तुम, बच्चे बड़े हो गए तुम्हारे। अरे हाय, बच्चों में यही खराबी होती है, ये बड़े हो जाते हैं। खैर सोया। तो मुजरिम की जबान ऐसे ही बंद हो जाती है जैसे इस वक्त तुम्हारी हो गई है। मेरी जुबान ऐसा से जुर्म से नहीं, उस खुशी से बंद हुई है जो आपको अपने घर में देखकर मैं समझी शायद आपको अपने पोते की मोहब्बत खींच लगी, लेकिन नहीं, आपके तो पहले जुमले ने साबित कर दिया कि आप यहाँ पे सिर्फ मेरी बेइज्जती करने के लिए आई हैं। मैं तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए नहीं आई, इसलिए कि मेरी निगाहों में तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है। अगर आप नुमान की मां ना होती तो तुम क्या कर लेती? तुम कर ही क्या सकती सिवाय बड़े घरों के नौजवानों को फांसने की। शर्म आनी चाहिए आपको अपनी बहू के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। कैसी बहू? कौन सी बहू? याद रखो लड़की, मैं तुम्हें नुमान से तलाक दिलाने आई। और एक और बात समझाने आई हूं। फरमाइए। अगर तुमने नुमान को दोबारा बुलाने के लिए या अपने रिश्ते को बचाने के लिए बच्चे का इस्तेमाल किया जिसे मैं अपना पोता नहीं अपने बेटे की जज्बाती फूल समझती हूँ, तो याद रखो तुम्हारे बच्चे को मैं तुमसे छीन लूंगी।